बेलहर तालुका के 12 ग्राम पंचायत के नामांकन प्रक्रिया संपन्न होने के बाद में 7 दिसंबर को नामांकन वापसी की प्रक्रिया की सुबह से शुरू की गई है। हिंगनगढ़ तालुका के उप विभागीय कार्यालय में निवड़ुक अधिकारी के माध्यम से जारी किए जाएंगे चुनावी चिन्ह। तालुका के 12 ग्राम पंचायत में धाबा ग्राम पंचायत अविरोध होने के बाद में 11 ग्राम पंचायत के नामांकन वापसी की प्रक्रिया हिंगनघाट तालुका के उप विभागीय कार्यालय में शुरू है। इस वक्त परिसर में इच्छुक सरपंच ग्राम पंचायत सदस्यों की बड़े प्रमाण में उपस्थिति परिसर देखी जा रही है। ग्राम पंचायत चुनाव अधिकारी के माध्यम से 3 बजे तक नामांकन वापसी के बाद उसके तुरंत बाद ग्राम पंचायत सरपंच सदस्य दलों को चुनावी चिन्ह दिए जाएंगे। सही मायने में आज से चुनावी चिन्ह मिलने के बाद तालुका के 11 ग्राम पंचायत का चुनावी संग्राम का प्रत्यक्ष रूप से आज आगाज होने वाला है। हिंगनघाट से NBCN न्यूज के लिए रवि यनौरकर की रिपोर्ट।